आप देख रहे हैं आपका बाजार बाजार की स्थिति अगर देखें, निफ्टी अभी 8767 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, दिन के निचले स्तरों के करीब काफी सब्ड्यूड ट्रेड इस वक्त मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ और क्वेरीज शामिल कर लेते हैं शो में। हमारे साथ एक दर्शक मौजूद हैं, प्रज्ञा है हमारे साथ पुणे से। नमस्कार प्रज्ञा, पूछे। जी गुड मॉर्निंग। मेरे पास दामपुर के 500 शेयर हैं, 126 की खरीद थी मेरी, ठीक है, और मैंने काफी साल पहले खरीदा था ये, राइट। तो अभी मैं इसको निकालना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँ? श्योर, चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। द गुड थिंग इज कि इतने सालों वेट करने के बाद आप प्रॉफिट्स में हैं अभी। विवेक, आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या सलाह देंगे दामपुर शुगर पे? 500 शेयर्स हैं इनके पास, 126 की परचेजिंग प्राइस है। इसमें आप बेझिझक बने रहिए, एक दो चीजें हैं। एक तो शुगर सेक्टर ओवरऑल अच्छा कर रहा है और वर्ल्ड ओवर शुगर की जो डिमांड है वो भी पिकअप हो रही है और प्राइसेस भी यहाँ से स्टेबली रहने की संभावना है। दूसरी चीज, अगर आप ओवरऑल शुगर स्पेस में देखो तो बाकी कंपनीज या तो हेवी डेट के अंदर डेट के इसमें फंसी हुई है या फिर उसका प्रॉफिटेबिलिटी इतना कोई ग्रेट नहीं है। लेकिन धामपुर इस सेक्टर में टोटली अभी भी अंडर वैल्यू लग रहा है मुझे, और करीबन छः पीई पे चल रहा है कंपेयर टू इंडस्ट्री पीई ऑफ 55 के ऊपर चल रहा है आज। तो इस बेसिस पे यहाँ से काफ़ी ऊपर जाने का संभावना और भी रहेगा स्टॉक के लिए, तो आप इसमें होल्ड कीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 126 से 200 है और ये हो सकता है कि 250 भी जाए। जी, तो आपको राय धामपुर शुगर को लेकर दी गई है, आप बने रह सकते हैं, अभी भी इसमें कुछ मोमेंटम और बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। हमारे साथ अब संजय हैं जो कि मौजूद हैं। संजय जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार संजय जी, क्या सवाल आपको पूछे? मेरे पास सुपरी बिजनेस के शेयर है सर, 21922 के भाव पर, ओके, और SRF है, 10 शेयर है मेरे पास, 1650 रुपए के भाव पर। ओके लोकेश, एक सुप्रीम इंडस्ट्रीज 922 पे खरीदारी है, 1003 का मौजूदा स्तर है, करीब करीब 100 रुपये पर शेयर मुनाफा, और SRF, इन दोनों पर आपकी राय क्या कहती है? देखिए सुमित जी, इफ आई लुक एट चार्ट ऑफ सुप्रीम इंडस्ट्रीज, वी सी अ राइट शोल्डर फॉर्मेशन ऑन द मंथली चार्ट, सो सिंपली इंडिकेट करता है कि द बुल रन जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 950। आप पहले तो 960 970 के आसपास इसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल लीजिए टू प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स एंड वेट फॉर द स्टॉक टू क्रॉस द लेवल्स ऑफ 1020 विद वॉल्यूम्स। जैसे ही स्टॉक 1020 को क्रॉस करेगा सुप्रीम इंडस्ट्रीज का, यू विल सी अ स्टॉक इज लुकिंग एट द लेवल्स ऑफ 1050 एंड 1100 ऑन द अपसाइड। तो आपको एडवाइस ये दी जाती है, फिलहाल इस पोजीशन को होल्ड कर लीजिए। इफ आई लुक एट द सेकंड स्टॉक राइट नाउ, इफ आई लुक एट द SRF, SRF में साइडवेज कंसोलिडेशन हो रही है, स्टॉक हैज टेकन अ बीटिंग फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 1783 एंड इज फाउंडिंग अ बेस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 1500। अभी इसमें आप बने रहिए एंड होल्ड फॉर द पोजीशन, गिव सम टाइम, यू विल सी अ साइडवेज कंसोलिडेशन इज गेटिंग ओवर इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स, यू विल सी द स्टॉक कैन बाउंस बैक टू लेवल्स ऑफ 1700 to 1800 इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। राइट, चलिए एक और दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। विजेंद्र जी अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार विजेंद्र, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी विजेंद्र, पूछ सकते हैं। नमस्कार जी मैडम, मेरा नाम विजेंद्र है और मेरा सवाल ये है कि मैंने JMP ऑटो 24 रुपए 26 पैसे के रेट पर लिए थे लगभग 4 महीने पहले। जी तो मैडम, अभी मुझे काफी नुकसान भी हो रहा है आज, हालांकि काफी अपटिक्स देखने को मिल रहे हैं, 3.5% तक का अपटिक आज के शेयर पे देखने को मिल रहा है आज के लेवल पे, और कितना समय देना चाहेंगे? और राइट, लगता है इनसे संपर्क टूट चुका है। लेकिन JMT ऑटो को अगर देखा जाए तो एमटेक ग्रुप की कंपनी है एक JMT ऑटो, जहां पर पूरे ही ग्रुप पर काफी डेट कंसर्न्स हैं। विवेक आपसे जानना चाहेंगे, यहां पर क्या कर सकते हैं आप? लॉसेस में तो हैं, 4 महीने से ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, क्या करना चाहिए अभी? पहले तो एक कोई भी छोटे निवेशक को कोई भी शेयर खरीदने के पहले, कंपनी में एंटर करने के पहले ये देखना चाहिए कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है और उसका मोट क्या है, मोट मतलब उसकी स्पेशलिटी क्या है सेक्टर में और उसके प्रोडक्ट को कितना रिकॉल कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे आप अगर एनालाइज करो तो JMT ऑटो कोई खास इसका ना कोई प्रोडक्ट्स कोई खास है, ना कोई यहाँ पे कोई सेल्स बहुत इंप्रूवमेंट दिख रहा है और परफॉर्मेंस वाइज भी काफ़ी ठीक नहीं है और वैल्यूएशन वाइज भी आप देखो तो काफ़ी कॉस्टली है। और सबसे ऊपर जैसे आपने कहा था कि एमटेक ग्रुप की कंपनी है और काफ़ी डेट है, तो क्या होता है कि डेट कभी ना कभी कंपनी को लेके डूब मरता है। तो ऐसा शेयर आप रख के कमाने की तो उम्मीद छोड़ दीजिए, हो सकता है कभी भी ये बड़ी प्रॉब्लम में भी आ सकता है, तो आप निकल जाइए, नुकसान हो तो भी कोई बात नहीं। और ऑटो सेक्टर में भी, ऑटो एंसिलरी सेक्टर में भी काफ़ी बढ़िया कंपनीज है, उसमें आप देखिए, इससे तो आप इमीडिएटली निकल जाइए। जी, तो आपको राय दी जा चुकी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ RS प्रसाद हैं। प्रसाद साहब नमस्कार। प्रसाद साहब सुन पा रहे हैं?
चलिए संपर्क नहीं पा रहे। इनका सवाल रिलायंस को लेकर है, करीब 400 शेयर है, 1037 के भाव पर खरीदारी है। लोकेश, रिलायंस आपको कैसा दिख रहा है? काफ़ी समय बाद थोड़ा सा मूव आया है, लेकिन अभी भी 1055 के आसपास ही कामकाज कर रहे हैं, 1100 के नीचे ही है। आपकी राय क्या कहती है रिलायंस पर? देखिए सुमित जी, इफ आई लुक एट द चार्ट्स ऑफ रिलायंस, रिलायंस में एक बहुत बड़ी हर्डल आ रही है, दैट इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 1124 1130, और उसके आसपास ही जाकर स्टॉक में एक सेल ऑफ देखा जाता है, फिर स्टॉक एक रेंज में फंस जाता है जहाँ पे इसमें जो बॉटम फॉर्मेशन होती है दैट इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 1010 एंड 1020। अभी भी चार्ट देख के ये लग रहा है द स्टॉक इज फॉर्मिंग अ बॉटम क्लोज टू लेवल्स ऑफ 1020, वहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। वी नीड टू वेट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, और हम चाहेंगे कि इस फेब के महीने में स्टॉक जो है इसी रेंज के अंदर बना रहे, वी डोंट सी एनी मेजर सेल ऑफ, तो हो सकता है आने वाले मार्च के महीने में आपको फिर से 1100 के ऊपर के लक्ष्य मिल सकते हैं। तो मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि फिलहाल अपनी पोजीशन में बने रहिए एंड कीप अ स्टॉप लॉस, दैट इज योर प्राइस वैल्यू। राइट, चलिए, तो यहाँ पर भी आपको राय मिल चुकी है। इतने ही सवाल आज हम शामिल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश आपका हमारे साथ इस एडिशन में मौजूद रहने का। विवेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सभी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए।